भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर सपूतों की ये धरती, इस धरती को मैं नमन करता हूं और इस धरती के वीर नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। आज झारखंड में साहबगंज की धरती पर एक साथ सप्तधारा विकास की योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। संथाल परगने में, इस इलाके में 1 साथ इतनी बड़ी विकास की योजनाएं शायद आजादी के बाद किसी एक कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र के विकास के लिए उठाए कदम पहली बार होते होंगे ऐसा मैं मानता हूं। ये पूरे संथाल इलाके का अगर भला करना है, यहां की समस्याओं का समाधान करना है, यहां के गरीब से गरीब मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, अगर इनकी जिंदगी में बदलाव लाना है तो उसका एक ही उपाय है और वो उपाय है विकास। जितना तेज गति से हम विकास यहां करेंगे, यहां के जन सामान्य की जिंदगी बदलने में हम सफल होंगे। आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो झारखंड और बिहार को जोड़ रहा है, गंगा के ऊपर दो राज्यों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा ब्रिज, ₹2200 करोड़ रुपयों से ज्यादा लागत, और ये सिर्फ दो राज्यों को ही जोड़ता ऐसा नहीं है, ये विकास के नए द्वार को खोल देता है। आप यहां से पूर्वी भारत के एक विशाल फलक के साथ अपने आप को सीधा जोड़ने का इस ब्रिज के बनने से आपको अवसर मिल रहा है। मैं बिहार वासियों को बधाई देता हूं, मैं झारखंड वासियों को बधाई देता हूं कि एक महत्वपूर्ण ब्रिज का आज शिलान्यास हो रहा है और हमारे नितिन गडकरी जी ये ऐसे मंत्री हैं जो समय सीमा में काम करवाने में बहुत कुशल है और इसलिए मेरा पक्का विश्वास है कि जिस तारीख को इसका लोकार्पण तय होगा
उस तारीख को करने की सीमा रेखा में पूरा काम पूरा करवा देंगे। ये कार्य लटकते हुए काम नहीं रहेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं इस इलाके के कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा और अपने ही जनपद में शाम को अगर घर लौट के जाना है तो आसानी से जा सके, वहां उनका रोजगार भी होगा। उसके साथ साथ ये काम ऐसा है कि उनका स्किल डेवलपमेंट भी होगा, एक नई हुनर एक नई महारत। जब दो ढाई साल तक लगातार एक प्रोजेक्ट में लगते हैं तो किसी इंजीनियर से भी ज्यादा काम करने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। इस इलाके में इस प्रोजेक्ट के कारण हजारों परिवार के नौजवान ऐसी ताकत प्राप्त करेंगे जो आने वाले दिनों में झारखंड हो, बिहार हो, हिंदुस्तान का और कोई इलाका हो, वहां भी अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो इस इलाके के नौजवानों की पहली पसंद होगी और लोग उनको ज्यादा पैसे देकर के अपने यहां काम के लिए ले जाएंगे। ये ताकत इसमें से पैदा होने वाली है। और इस सारे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी जो ताकत है ये मानव शक्ति का सुयोजित रूप से स्किल डेवलपमेंट करके विकास करना। मैं यहां के नौजवानों को शुभकामनाएं देता हूं। यह आपके आंगन में शुभ अवसर आया है। आप भी मन में ठान लीजिए, मेहनत भी करनी है और अपनी क्षमता भी बढ़ानी है। और एक बार क्षमता बढ़ गई तो दुनिया आपको पूछती हुई चली आएगी कि यहां जो अनुभवी नौजवान है उनकी हमें जरूरत है। ये बदलाव आने वाला है। आज मुझे यहां एक दूसरे कार्यक्रम का भी लोकार्पण का अवसर मिला है और वो है साहबगंज से गोविंदपुर तक सड़क का जो निर्माण हुआ है इसका लोकार्पण हो रहा है। पहले कभी यहां से गोविंदपुर जाना होता तो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे लग जाते हैं। अब ये जो नया रोड बना है 5-7 घंटे में आप गोविंदपुर पहुंच सकते हैं। कितनी बड़ी गति आई है आपके जीवन में इसके कारण, कितना बड़ा बदलाव आया है। और ये सिर्फ सड़क नहीं है, पूरे संथाल इलाके को बीच से निकलने वाली ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये पूरे संथाल के इलाके के गरीब से गरीब नागरिक के जीवन में विकास का एक नया रास्ता खोल रही है, विकास की एक नई दिशा खोल रही है, विकास का एक नया लक्ष्य नजदीक ला करके रख रही है। और इसलिए सड़कें बहुत बनती हैं, यातायात के लिए काम आती है, लेकिन ये सड़क उन सड़कों में से नहीं है। वो सिर्फ जाने आने का काम नहीं, ये विकास की ओर बढ़ने का एक रास्ता बन रहा है और जो पूरे संथाल इलाके की शक्ल सूरत को बदल देगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। भाई बहनों, नदी को हम मां कहते हैं और मां हमें सब कुछ देती है।
लेकिन कभी कभी ऐसी भी कहावत कही जाती है कि मांगे बिना मां भी नहीं परोसती है। गंगा मां सदियों से इस पूरे क्षेत्र को नवपल्लवित करती रही है, ये जीवन धारा के रूप में बह रही है।